हे एवरीवन, अगेन हेयर एक्सटेंशन मैम की आप क्वालिटी देख सकते हो. मैम ने एक्सटेंशन पहले से कराए हुए हैं, बट जो मैम ने एक्सटेंशन कराए हुए हैं वो प्रॉब्लम ये है कि मैम चोटी करती हैं या कुछ भी हेयर बन बनाती हैं तो वो हेयर एक्सटेंशन दिखते हैं. तो मैम रिफिल के लिए आए थे, बट रिफिल के लिए मैम ने हमारी क्वालिटी देखी, हमारी मैम को क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, तो मैम करा रहे हेयर चेंज. तो आप डेंसिटी देख सकते हो मैम की, ये सारे एक्सटेंशन है एंड जो मैम की डेंसिटी एंड लेंथ है वो ये सिर्फ यही है. तो मैं निकाल के भी वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी पूरा प्रोसेस कि हमने मैम का लुक कैसे चेंज किया. मैम को टचअप भी कराना है व्हाइट वाला मैम के स्कैल्प पे, देन ये कलर भी रिमूव कराना है. तो पूरा प्रोसेस देखिएगा मैम के, बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बाल बहुत ही अच्छे लगेंगे एंड मैम की पर्सनैलिटी भी बहुत चेंज लगेगी. तो आप देख सकते हैं एक्सटेंशन निकाल चुकी हूँ. अब आप देख सकते हैं मैम की डेंसिटी एंड लेंथ. और पहले हम करेंगे कलर, देन केराटिन, देन अपने एक्सटेंशन लगाएंगे हम. आप देख सकते हैं क्वालिटी. आप देख सकते हैं 100% मैम को लगाया मैंने. पहले मैम का रूट टचअप हुआ है, फिर पूरा ग्लोबल कलर हुआ है, केराटिन हुई है, देन हेयर एक्सटेंशन लगाया मैंने. आपको मैम का अभी आपका मैम से पहले भी दिखाया है, उससे पहले मेकअप से गया. सर देख सकते हैं अगर आप एक्सटेंशन पे कलर कराते हो या हाइलाइट्स लेते हो तो हेयर एक्सटेंशन में ड्राइनेस 100% आएगी ही आएगी, चाहे दुनिया का कोई भी हेयर एक्सटेंशन हो. अगर आप नेचुरल कलर लेते हैं, कोई भी नेचुरल कलर लेते हैं, तो ड्राइनेस हेयर एक्सटेंशन में कम आएगी. तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल मैम का नेचुरल हेयर है, नेचुरल हेयर कलर है और बिल्कुल बिल्कुल अच्छा भी लग रहा है और इसमें कोई ड्राइनेस नहीं आएगी क्योंकि मैम ने कोई कलर नहीं लिया, कोई ड्राइनेस नहीं है, कोई पैच नहीं है. आप देखो मैम को ये भी नहीं बता पाएंगे आपके मैम के रियल हेयर कौन से हैं और हेयर एक्सटेंशन कौन से हैं. स्ट्रेट है बिल्कुल, 100 strand है, क्वालिटी बेटर है और ये आप जज भी नहीं कर पाओगे कि हेयर एक्सटेंशन कौन से हैं और आपके रियल हेयर कौन से हैं. तो आप देख सकते हैं सकते हैं 100 strand में डेंसिटी, आप देख सकते हैं इक्वल डेंसिटी है, नीचे तक इक्वल बाल आ रहा है.